आजम खान के समधी बिना मास्क के सड़क से निकल रहे थे। रास्ते में एसपी साहब खड़े थे, गाड़ी को रोका, कहा कि मास्क कहाँ है। लेकिन उसके बाद समधी साहब तो हेकड़ी दिखाने लगे और हेकड़ी पुलिस वाले के सामने ज्यादा महंगी पड़ गई। एसपी ने जो एक्शन लिया फिर इसके बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आइए दिखाते हैं आखिरकार हुआ क्या था। सपा सांसद आजम खान के समधी रिजवान मोहम्मद खान अपने बेटे के साथ इनोवा गाड़ी से जा रहे थे। इस दौरान दोनों ने मास्क नहीं लगाया था। इस पर जब पुलिस ने उन्हें रोका तो वे पुलिस से उलझ गए और सबसे बड़ी बात कि सामने एसपी खड़े थे। पुलिस के समझाने पर हेकड़ी दिखाते नजर आए और बेटे को पुलिस अफसर बता दिया। इस जवाब पर पुलिस ने पूछा कहां तैनाती है, तो उन्होंने कहा अमेरिका में पुलिस अफसर है। इस पर पुलिस को शक हुआ, पूछा कि अमेरिका से कब आए, आई कार्ड दिखाओ। तब तक उनकी समझ में आ चुका था कि झूठ पकड़ा गया। आपने बोला ये अमेरिका के पुलिस ऑफिसर हैं। आपने कहा कि नहीं, जेल भी जा सकते हो, जेल भी जा सकते हो, सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। इतनी देर से उलझ रहे हैं, मेरे समय जाया कर रहे, इतना समय ज्यादा कर रहे हैं, मेरा इसी रात फिर तुझे जेल भी भेज दूंगा। अभी सरकारी काम में बाधा मत डालो। बता रहे सही कि मेरा लड़का पुलिस ऑफिसर है अमेरिका में। ऑफिसर का ही औकात न पा दूंगा। आई कार्ड दिखाइए। अमेरिका का औकात नहीं आप सेड, ये पुलिस ऑफिसर है अंग्रेजी में। पहले पीछे घूम रहा है, पीछे दिए, पीछे दे, पीछे दे। और इसके बाद उन्होंने पुलिस से कई बार सॉरी भी कहा। खूब हंगामा हुआ। बस फिर क्या था, फिर तो पुलिस का पारा चढ़ चुका था और हंगामे के चलते 20 मिनट तक सरकारी काम में बाधा पहुंचाई। इस दौरान एसपी से नोकझोंक हुई। इस पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही रिजवान खान और उनके बेटे अब्दुल रहमान खान के खिलाफ थाना सिविल लाइंस में धारा 188, 269, 186, 353 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उन पर महामारी अधिनियम की धारा 3 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 भी लगाई गई। आजम खान तो पहले ही परेशान है और अब समधी पर भी केस दर्ज हो गया। तो देखा आपने किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। झूठ भी पकड़ा गया और हेकड़ी भी निकल गई। बाद में बस यही कहते नजर आए, माफ कर दीजिए, सॉरी। लेकिन सॉरी पुलिस के सामने इस बार चली नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एडवांस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।